जब नोबिता को मिला था एंशिएंट इजिप्ट का रहस्यमय खजाना। अब दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है सुनियो के घर से, जहां वो जियान सिजुका और नोबिता को प्राचीन इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में बता रहा होता है। अब सुनियो उन्हें बताता है कि कायरो के पास मौजूद 3 पिरामिड्स में इजिप्शियंस ने भर भर के सोना छुपाया हुआ है, लेकिन उन्होंने इसे कुछ इस तरह से छिपाया है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी खजाने की खोज नहीं कर सकती। अब ये सब सुनके नोबिता बेहद ही एक्साइटेड हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि आज भी उन पिरामिड्स में कहीं सोना चांदी छुपा हुआ है। अब ऐसा लगता है कि वो इजिप्ट को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगले दिन वो मार्केट से डोरा केक खरीद कर घर लाने लगता है। लेकिन उसे तो किसी ने कहा ही नहीं होता कि डोरा केक्स घर लेकर आना है। अब घर आते ही वो अपने आंगन की घास को मजे से उखाड़ने लगता है। काम के बीच में उसे ख्याल आता है कि आखिर वो घास को क्यों उखाड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो रुकता नहीं है। और वहीं पर डोरेमोन मजे से डोरा केक्स खाते खाते नोबिता को काम करते हुए देखता है। अब थक हार के नोबिता डोरेमोन के पास आता है और डोरेमोन फाइनली उसे अपना सीक्रेट बताता है। डोरेमोन उसे एक बेहतरीन गैजेट दिखाता है जिसका नाम है द फ्यूचर बुक। अब इस बुक में जो भी लिखा जाएगा वो आगे चलकर सच हो जाएगा। डोरेमोन ने इस किताब में लिखा था कि आज के दिन नोबिता डोरा केक्स लेकर आएगा और गार्डन को भी साफ करेगा। अब देखो ये सुन के नोबिता बेहद ही गुस्सा होता है और डोरेमोन से इजिप्ट के खजाने को ढूंढने की बात करता है। अब बहुत मनाने के बाद डोरेमोन मान जाता है और वो दोनों एनीवेयर डोर की मदद से कायरो इजिप्ट में पहुंच जाते हैं। कायरो के 3 पिरामिड्स देखकर नोबिता बेहद ही खुश हो जाता है। अब क्योंकि सामने वाले एरिया में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए नोबिता और डोरेमोन पिरामिड के पीछे वाले हिस्से में खजाने ढूंढने लग जाते हैं। डोरेमोन एक डिटेक्टर मशीन के जरिए खजाने को ट्रैक करने की कोशिश करता है। अब ऑन करते ही वो डिवाइस तुरंत खजाने का सिग्नल देने लगती है और डोरेमोन बेहद ही चौंक जाता है। इसके बाद डोरेमोन तुरंत ही सॉइल एक्सट्रैक्शन मशीन के जरिए जमीन के अंदर देखता है और उसे वहां पे रहस्यमय तरीके से छुपा हुआ किला नजर आता है। डोरेमोन को यकीन ही नहीं होता कि नोबिता की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि ये एक बहुत बड़ी खोज है और उन्हें इसे बिना किसी गैजेट के खोद कर निकालना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल आर्कियोलॉजिस्ट की तरह। पर फिर कुछ घंटों की खुदाई के बाद नोबिता बोर हो जाता है और एक बेहतरीन आइडिया डोरेमोन के सामने रखता है। क्यों ना हम वक्त में पीछे जाकर उस समय चले जाए जब ये किला जस्ट बना था और तब वहां पे खजाना ढूंढे। वेल डोरेमोन को ये आइडिया पसंद आता है और वो दोनों टाइम बेल्ट की मदद से वक्त में पीछे चले जाते हैं। अब वहां पहुंचते ही उनके सामने वो किला जमीन के बाहर सही सलामत खड़ा दिखाई देता है। पास थ्रू होल की मदद से वो लोग किले के अंदर घुस जाते हैं। किले के अंदर बहुत सारे इजिप्शियन पेंटिंग्स बनी होती है। अब डोरेमोन अपने गैजेट लिविंग लाइट की मदद से एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है और उससे खजाने का रास्ता पूछता है। अब वो पेंटिंग एक बड़ी दीवार की तरफ इशारा कर देती है। अब एक बार फिर पास थ्रू होल की मदद से वो एक बंद रूम में चले जाते हैं। अब इस रूम में उन्हें एक सार्कोफागस मिलता है जिसमें एक मम्मी दफन होती है। अब इस रूम में एक दरवाजा भी होता है जिसके पार जाते ही उनके आंखों के सामने बहुत सारा सोना चांदी आ जाता है। वो लोग रूम में मौजूद सोने को देख ही रहे होते हैं कि अचानक वहां एक आवाज होती है। अब डर के मारे नोबिता गिर जाता है और उसके पॉकेट में रखी फ्यूचर बुक वहीं पर गिर जाती है। डोरेमोन और नोबिता को वहां एक बच्चा बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। अब वो दोनों उस बच्चे को निकालकर अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, यानी कि फ्यूचर में ले जाते हैं। अब कुछ समय के बाद उस जगह पर 3 आदमी आते हैं और एक सीक्रेट रास्ते से सीधा उस सोने के कमरे में घुस जाते हैं। अब वहां पर उस बच्चे को गायब देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, लेकिन ढूंढते वक्त उन्हें नोबिता की फ्यूचर बुक मिलती है और वो बुक को उसे 3rd आदमी को दे देता है जो उन्हें उस बच्चे को ढूंढकर खत्म करने के आदेश देता है। अब वही नोबिता के घर में थोड़ी देर आराम करने के बाद उस बच्चे को होश आ जाता है। उसकी बात समझने के लिए डोरेमोन उस बच्चे को ट्रांसलेशन टूल देता है और वो बच्चा उन्हें बताता है कि वो इजिप्ट का प्रिंस है और उसे धोखे से किसी ने किडनैप करके उसके कमरे में बंद कर दिया था। नाउ डोरेमोन और नोबिता प्रिंस की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। साथ ही वो लोग सुनियो, जियान और सिजुका को भी इस मिशन में शामिल कर लेते हैं। अब इसके बाद एक बार फिर वो सब एनीवेयर डोर की मदद से कायरो इजिप्ट में चले जाते हैं ताकि टाइम बेल्ट से वक्त में पीछे जाया जा सके। वो लोग बस टाइम ट्रेवल करने ही वाले होते हैं कि नोबिता को वहां 3 की जगह 4 पिरामिड दिखाई देती है। अब जब तक नोबिता इस चीज को कंफर्म कर पाता, वो लोग ऑलरेडी 1000 BCE पीछे ट्रेवल कर चुके होते हैं। नोबिता बाकी लोगों को भी बताता है कि प्रेजेंट में उसे 3 की जगह 4 पिरामिड दिखाई दिया था। नाउ एक एक्स्ट्रा पिरामिड आखिर आया कहां से? लेकिन सभी उसकी बात को खारिज कर देते हैं। अब इजिप्ट की शाही पोशाक पहनकर वे लोग प्रिंस के राज्य की तरफ ट्रैवल करने लगते हैं। अब समुद्र में जहाज के जरिए वे लोग एक दिन में प्रिंस के शहर में पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद अनोखे बाजार को देखकर वे सभी लोग चौंक जाते हैं।
तभी अचानक शहर के सभी लोग महल की तरफ भागने लगते हैं। सबके मुंह से एक ही चीज निकल रही होती है कि उन्हें अपना भगवान मिल गया है। नोबिता की गैंग और प्रिंस भी महल की तरफ जाते हैं और बड़ी भीड़ को अपने सामने देखते हैं। महल में ऊपर की तरफ वीरू आबू नाम के एक शख्स सभी को बता रहा होता है कि अब प्रिंस जिंदा नहीं रहे और अब वो ही उनका राजा है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो आकाश की तरफ अपनी छड़ी घुमाता है और तुरंत ही बारिश होने लगती है। एक ही झटके में वो उस बारिश को रोक भी देता है। अब ये देखकर सभी नगरवासी यकीन कर लेते हैं कि वेरू आबू भगवान है। नोबिता और बाकी लोग ये सब कुछ छुप कर देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि शायद सच में उसके पास कोई जादुई शक्ति है। लेकिन तब भी उसने प्रिंस को किडनैप करके उसे मारने की साजिश रची थी, इसीलिए वो राजा कहलाने के लायक नहीं है। अब प्रिंस उन्हें कहता है कि सबसे पहले उन्हें महल में मौजूद प्रिंसेस को बचाना होगा। अब देखो, महल के अंदर घुसने के लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। जियान, सुनियो और सुजुका मनोरंजन करने वाला बनकर महल में घुस जाते हैं। डोरेमोन के गैजेट मैजिकल रोब की मदद से वो तीनों अनोखे करतब दिखाने लगते हैं। उन्हें देखकर वीरू आबू बहुत ही हैरान हो जाता है। अब दूसरी तरफ डोरेमोन और प्रिंस, जो कि टोकरी में छुपकर महल में आ गए थे, वो प्रिंसेस को ढूंढने में लग जाते हैं। अब बहुत मेहनत के बाद वे लोग फाइनली प्रिंसेस को खोज लेते हैं। प्रिंसेस उन्हें वीरू आबू का प्लान बताती है कि कैसे वो अपने नाम का एक फोर्थ पिरामिड बनाने का प्लान कर रहा है। तभी नोबिता को याद आता है कि उसने प्रेजेंट में सच में उस फोर्थ पिरामिड को देखा था। अब कंफर्म करने के लिए डोरेमोन टाइम टीवी में देखता है और उसे भी वो फोर्थ पिरामिड वहां पर नजर आता है। इसका मतलब हिस्ट्री ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। अब उन सभी की बातें वेरू अब्बू का एक जासूस सुन लेता है और वेरू अब्बू को खबर कर देता है। नाउ वेरू अब्बू समझ जाता है कि वो डोरेमोन कैट किसी भगवान की तरह है जो उसकी पिरामिड बनाने की विश को पूरा कर सकता है। वीरू अब्बू जियान, सुनियो और सिजुका को पकड़ लेता है। इसके साथ ही वो प्रिंसेस के कमरे में नोबिता, डोरेमोन और प्रिंस को भी पकड़ने पहुंच जाता है। नाउ नोबिता और डोरेमोन सभी गार्ड से लड़ ही रहे होते हैं कि अचानक प्रिंसेस को कुछ हो जाता है और वो वेरू अब्बू को अपना राजा मानने लगती है। अब नोबिता, डोरेमोन और प्रिंस को पकड़ने के बाद वेरू अब्बू उन्हें वो फ्यूचर बुक दिखाता है जिसकी मदद से वो ये सब जादू कर रहा होता है। अब केवल डोरेमोन को छोड़कर बाकी सभी को एक ही जेल में बंद करके रख दिया जाता है और उन्हें तुरंत ही एक शिप में डालकर किसी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने लग जाते हैं। अब कुछ दिन बाद जब वो शिप से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो इजिप्ट के कायरो में होते हैं और वहाँ 3 की जगह 4 बड़े पिरामिड्स मौजूद होते हैं। ना उन्हें उस फोर्थ पिरामिड के अंदर ले जाया जाता है जहां डोरेमोन को बंद करके रखा हुआ था। डोरेमोन उनसे कहता है कि वेरू अब्बू ने फ्यूचर बुक की मदद से उस फोर्थ पिरामिड को केवल एक ही दिन में बनवाया था। अब वहां वेरू अब्बू भी प्रिंसेस के साथ आ जाता है। वो प्रिंस को एक बहुत बड़े मगरमच्छ के पानी के ऊपर रस्सी की मदद से टांग देता है। प्रिंसेस को उस रस्सी को काटने के लिए कहता है। तभी जियान आग से अपने हाथों की रस्सी को खोल लेता है और मैजिकल रोप को कंट्रोल करने लगता है। फिर वो सभी गार्ड्स को हरा देता है, लेकिन प्रिंसेस तब तक रस्सी काट चुकी होती है। लेकिन जियान मैजिकल रोप की मदद से प्रिंस को सही वक्त पर बचा लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। अब प्रिंस सीधा वीरू अब्बू पर गिरता है और उसके हाथ से फ्यूचर बुक आग में जाकर गिर जाती है। फ्यूचर बुक के नष्ट होने से प्रिंसेस वीरू अब्बू के चंगुल से निकल जाती है। नाउ डोरेमोन अपने गैजेट लिविंग लाइट की मदद से एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है जो वीरू अब्बू को पकड़ लेता है। अब जब डोरेमोन पेंटिंग को एक बार फिर से ठीक कर रहा होता है तब वीरू अब्बू भी पेंटिंग में बदल कर उस दीवार में कैद हो जाता है। इसके बाद वे लोग फोर्थ पिरामिड से बाहर आ जाते हैं और डोरेमोन अपने गैजेट ब्रेक द माउंटेन स्प्रिंकलर से उस पिरामिड को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। अब प्रिंस इजिप्ट का राजा बन जाता है और नोबिता और पूरी गैंग उसे गुड बाय बोलकर वापस अपने समय में चले आते हैं। तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन की मूवी द ग्रेट इजिप्ट एडवेंचर। वैसे क्या आपने इस मूवी को देखा है? अगर देखा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स फैमिली साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आपको ये वीडियोस भी पसंद आएंगे, इनको जाकर जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।